नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने EPFO का वेबसाइट खोल कर रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट। देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में कुछ अपडेट आया हुआ है, इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो अपडेट है वो आपके सामने कुछ ऐसा अपडेट है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नोटिस आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस सेक्शन वाले में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, 17/5/2019 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन EPFO, लास्ट डेट कब तक है? 25 जून 2019। यहाँ पे एक PDF है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF खुल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ उस PDF में क्या है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपके सामने ये PDF है, ठीक है। टोटल ये 39 पेज के PDF है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये आपका PDF है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये PDF है आप लोगों के सामने, देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या है, टाइटल क्या है PDF का, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, पे लेवल 7 है, ठीक है। देखते हैं हम लोग जो काम काम का चीज़ है वो हम लोग मेन डिस्कशन कर लेंगे। 39 पेज है, पूरा डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्या हम लोगों का, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फॉर्म EPFO विल बी कंडक्टिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑनलाइन कब कंडक्ट करेंगे? 30 जुलाई 2019 को एंड 31 जुलाई 2019 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फ्रॉम 30 मई से आपका स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? तो 25 जून तक चलेगा। ओके फ्रेंड्स, स्केल ऑफ पे की बात करें तो ये आपको जैसे कि लेवल 7 ऑफ पे मेट्रिक सिविलियन एम्प्लॉय अंडर 7th पे कमीशन विथ एंट्री पे ₹44,900 एंट्री इन एडिशन टू पे, दे विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर DA HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेज एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो कितना पोस्ट है आप लोगों का? 280 पोस्ट है। एज की हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो जो काम का चीज़ वही सब अपडेट दिया। मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 27 ईयर्स एज ऑन 25 जून 2019। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ऑफ EPFO एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी एज पर रूल्स। ओके, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। मस्ट पोजेस डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एज ऑन 25 जून 2019। 25 जून 2019 तक आपके पास हाथ में डिग्री आ जाने। द डिटेल्स ऑफ रीजन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेशनलिटी, सिटीजनशिप्स ऑफ कैंडिडेट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, सेलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन एटसेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं। मिसलेनियस रिक्रूटमेंट ऑन द लिंक, ये आपका लिंक है 30 मई 2019। ओके ओके फ्रेंड्स, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल PF कमिश्नर 1 एग्जाम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि जो आपका मतलब कि जो कुछ डिटेल्स है वो यहाँ पे आपका फर्दर फिर दिया हुआ है। ऑनलाइन 30 से स्टार्ट होगा, लास्ट डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स 20 जुलाई से आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेज वन कब होगा? 30 जुलाई को होगा आप लोगों के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन कब होगा आप लोगों के लिए? मेंस एग्जामिनेशन जो होगा फेज टू होगा। कॉल लेटर्स विल बी सेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ, मतलब कॉल लेटर सेंड किया जाएगा जो भी वो डिक्लेयर होंगे फर्स्ट फेज में। तो इधर हम डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की देखें तो अनरिजर्व का 113 है, EWS 28 है, SC 42 है, ST 21 है, OBC 76 है, टोटल 280 है। PWD की बात करें तो कैटेगरी A 3, कैटेगरी B 3, कैटेगरी C 3, कैटेगरी D 2। एब्रीविएशन दिया हुआ है किस किस चीज़ का क्या मीनिंग है, देख सकते हैं। कैटेगरी A किन के लिए, कैटेगरी B किन के लिए, कैटेगरी C किन के लिए, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। द वैकेंसीज एडवर्टाइज अंडर EWS कैटेगरी इज एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड OM नंबर इतना डेटेड 31/1/2019 को पता है कि ये लेटेस्ट हुआ है। EWS वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटकम ऑफ एनी, ये तो कुछ EWS से संबंधित जानकारी दिया हुआ है तो ज़्यादा हम लोगों का टाइम। स्केल ऑफ पे आपको बता दिया गया, वहाँ पहले भी बता दिया था मैंने, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 25 जून एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल भी एक्सेप्ट, किसी अदर मोड में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड, फोटोग्राफ आपका इस साइज में होना चाहिए 4.5x3.5, सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थम इंप्रेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, ब्लैक और ब्लू एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो इंश्योरिंग दैट द ऑल कैंडिडेट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट अधेयर टू दीज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज पर इन पारा 4 ऑफ दिस नोटिस। ओके फ्रेंड्स,
तो ये आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, साथ में एक पैराग्राफ भी लिख करके आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर भी सिग्नेचर करते हुए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज्ड, मतलब वो ब्लर नहीं होना चाहिए। इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही सी मे यूज यू राइट थंब फॉर अप्लाइंग, यदि आपके पास लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब भी यूज कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो आपको लिखना था, टेक्स्ट ऑफ द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज आई फॉलो, यहाँ पर अपना लिखें आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट हेरबाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड वैन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों का द एबव मेंशन्ड हैंड रिटन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल, कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट, मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आई डी, ईमेल आई डी वगैरह आपको रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल गाइडलाइन प्रोसीडर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक वगैरह दिया हुआ है, क्लिक है स्टार्ट फॉर रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आपको करना है। तो आप लोगों को जरूरत होगा तो बोलिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है कैसे कैसे आप, फिर क्लिक पेमेंट बटन पे क्लिक करो, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, फिर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, सारा डिटेल, फोटोग्राफ का, इमेज का, जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग के सामने क्या है, ये आपका सिग्नेचर का पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग हैंड रिटन नोट्स का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे सारा का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोगों का, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन नोट्स डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड, ये चारों चीज़ अपलोड करेंगे तभी आपका जो इसके वैलिड माना जाएगा, नहीं तो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोगों के लिए है, नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स के, कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में बताया गया, बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थॉरली रीड द इंस्ट्रक्शंस, इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो अप्लाई कर देना, कोई चिंता वाली बात नहीं। नेक्स्ट एज लिमिट के बारे में दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों के लिए डिटेल यहाँ पे सारा डिटेल दिया, डाउनलोडिंग द कॉल लेटर, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों का क्या है, गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, जो स्क्राइब यूज़ करेंगे उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का है, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विद लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जिनका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ। गाइडलाइंस फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट, वीआई कैंडिडेट्स, उनका अदर इंपॉर्टेंट अदर इंस्ट्रक्शंस, कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी टू मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट में आपके ऊपर क्या एक्शन किया जाएगा उसका भी डिटेल दिया हुआ है। इफ ये फॉर डिसीजन फाइनल, उनका डिसीजन फाइनल होगा। डिसक्वालिफिकेशन किस केस में किया जाएगा, नेशनलिटी कौन कौन एलिजिबल होंगे, एज लिमिट क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। जनरल एससी एसटी कैटेगरी वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताया हुआ है आपको। एग्जामिनेशन फीस, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन फीस आपको कितना लगेगा, एग्जामिनेशन फीस जो लगेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कितना लगेगा, 250 रुपया, ऑल अदर कैटेगरी के लिए कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोगों के लिए क्या है, आपको प्रिंट आउट ले लेना है, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पर्सनल विद डिसेबिलिटीज का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। विजुअल इम्पैड, ये एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का एग्जाम किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो है कितना क्वेश्चन रहेगा, 30, उसका नंबर कितना रहेगा, 30, रीजनिंग का आपका 35 रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 35 रहेगा। ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 20 मिनट, ये आपका इंग्लिश वाला इंग्लिश में रहेगा, रीजनिंग आपका बाईलैंग्वल रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपका बाईलैंग्वल रहेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेज़ वन मेन एग्जामिनेशन का भी आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग 40 मैक्सिमम मार्क्स, 40 ड्यूरेशन, 35 मिनट रहेगा, वर्जन बाईलैंग्वल रहेगा, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा आप लोगों का, तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मार्क्स होगा, कितना एग्जाम होगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या लैंग्वेज में रहेगा, सर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ वन प्रीलिम्स एंड फेज़ टू विल बी डिसाइडेड एज पर, मतलब वो ईपीएफओ डिसाइड करेगा। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, अराइविंग स्कोर्स तक नॉन कट ऑफ आर अप्लाइड इन टू स्टेजेज, रिजोल्यूशन ऑफ टाई कैसे, टाई होगा तो क्या रिजोल्यूशन रहेगा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन
वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेट कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच, मतलब आपको सेंटर का डिटेल भी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ आप लोगों का सेंटर पढ़ने वाला, आप देख सकते हैं आपका सिटी का नाम, कोड भी दिया हुआ है, सीरियल नंबर भी सेंटर का दिया हुआ है, तो ये आपका सेंटर का भी डिटेल हो गया। द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ फेयर फेज टू मेन एम सेल बी अलॉटेड टू एनी ऑफ द अबव सेंटर्स, मतलब कि वो जो है इनमें से कहीं भी आपको मेन एम सेंटर दे सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन कब कब होगा उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस पर आपका एप्लीकेशन को इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का है उसके बाद हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस सर्टिफिकेट्स का आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, एनेक्सर वन, ये सारा सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट था। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।